जो है आज छठ पूजा होने वाली है और ये हम काफी सालों से जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवानी सिंह ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आप सबको मेरा नमस्ते। सो वापस से मैं आ गई हूँ आप लोगों के सामने एक न्यू ब्लॉग लेके। सो ये जो ब्लॉग जो मैं शूट करने वाली हूँ ये है छठ पूजा के ऊपर। जो है आज छठ पूजा होने वाली है और ये हम काफ़ी सालों से जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं। आई थिंक जब मैं 11 ईयर की थी तब से मेरी मॉम जो ये पूजा सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये पूजा की सारी तैयारी मॉर्निंग से चल रही है, 7 या 6 o'clock जब भी हो रहा था तो हम उठे, हमने सारी पूरी क्लीनिंग की, सब कुछ किया। एंड मैंने जस्ट बात लिया है अभी एंड मैंने फेस पे मॉइस्चराइजर लगाया मेरे एंड ब्लश ऑब्वियसली। सो उसके बाद मैंने सोचा मैं ब्लॉग शूट कर लूँ बिकॉज सारे जो चीज़ें दिखाने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा। सो अभी सारी तैयारी चल रही है पूजा में, जो जो सामान लगने वाला है एंड मेरा छोटा भाई गया है बाकी के सामान लेने के लिए। एंड मॉम जो है सारे फ्रूट्स को जो है वॉश कर रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। एंड ये जो पूजा में मोस्टली जो होती है वो इवनिंग में होती है, उसके नेक्स्ट मॉर्निंग में। सो हम लोग क्या वेयर करने वाले हैं, पूजा किस तरह से होती है, क्या इसमें यूज़ होता है, इस पूजा से क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, ये मोस्टली जो पूजा होती है ये होती है बच्चों के लिए जो उनकी माँ रखती हैं। सो मम्मी काफ़ी टाइम से रखती है और इसमें जो फास्ट में जो है पानी नहीं पिया जाता है, तो हम मॉम से ज़्यादा काम नहीं करवा रहे हैं। मॉम यहाँ पे है, मेरी मॉम, हेलो बोलो। हेलो। मॉम सारी क्लीनिंग कर रहे हैं। रात में मैंने मॉम के हाथ, दोनों हाथों में एक्चुअली मेहंदी लगाई थी, तो मैंने बोला थोड़ा सा मैं भी लगा लेती हूँ, तो मैंने अपने हाथों में ऐसा कुछ किया है। सो मैं आपकी इस वीडियो में जो है छोटे छोटे क्लिप्स पूजा में क्या होते हैं कैसे होते हैं मैं आपको लोगों को दिखाती रहूँगी। तो यहाँ मॉम ने जो है सारे मेरे को काफ़ी चिल्ला रहे थे बिकॉज बोले आपको पहले दिखाना चाहिए था, मैंने अभी सारा सामान रख दिया है। तो यहाँ पे जो है ना मॉम ने सारे चीज़ें जो हैं ऑलरेडी सारा एक साथ करके रख दिया बिकॉज सब कुछ लेके जाना पड़ता है घाट पर, जो क्योंकि घाट पर पूजा होती है। सो हम घाट पे जब जाएंगे मैं आपको पूरा घाट का व्यू दिखाऊंगी, इतना ब्यूटीफुल होता है, इतना अच्छा, सब लोग इतने अच्छे से रेडी होके आते हैं, इतने ट्रेडिशनल, सब ट्रेडिशनल वेयर करके आते हैं सारे मेंस एंड वेमेन। सो वहाँ का व्यू काफ़ी अच्छा है बिकॉज ऑब्वियसली नाइट के टाइम में, इवनिंग के टाइम में तो पूरे लाइटिंग एंड ऑल, और वहाँ पे सॉन्ग प्ले किए जाते हैं देवी माँ के। तो मॉम ने भी सब कुछ रख दिया है, जब वहाँ पे हम रेडी होके जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी हमने क्या वेयर किया है, वहाँ पे पूजा किस तरह से सेलिब्रेट हो रही है एंड बहुत मज़ा आएगा, मिलते हैं। सो यहाँ पे मैं रंगोली बना के भी आ गई हूँ एंड अभी मैं जा रही हूँ मॉम को रेडी करने, उनका थोड़ा सा टचअप करने, उनका मेकअप करने। तो मुझे यहाँ कुछ काट लिया है पता है, रंगोली बनाते बनाते मॉम को रेडी कर दूँगी, इसके बाद मैं रेडी होंगी, फिर मैं सबका फाइनल लुक आपको लोगों को दिखाने वाली हूँ। बाय। हेलो एवरीवन, सो फाइनली जो है मैं रेडी हो गई हूँ, मॉम को मैंने रेडी करके भेज दिया है और काफ़ी लेट हो गया है, पीछे पूरा पसारा फैला हुआ है एक्चुअली। सो मैंने भी फटाफट मेरा मेकअप कर लिया है एंड आई एम रेडी। सो अभी मैं निकलूँगी एंड जाने के बाद मैं आप लोगों को पूरा वहाँ का व्यू दिखाऊँगी कि फाइनली वहाँ का व्यू कैसा है। हे एवरीवन, सो फाइनली जो है मैं रेडी हो गई हूँ एंड काफ़ी लेट हो गया है, बहुत लेट हो गया है। मॉम और भाई जो है वो कार से जा चुके हैं पहले ही एंड मैं जो है अभी जस्ट रेडी हुई हूँ। सो अभी मैं सारी चीज़ें हटा के मैं फटाफट से जो है निकलूँगी कैब करके। सो वहाँ जाने के बाद मैं दिखाऊँगी कि छठ का जो व्यू है वहाँ के घाट का किस तरह से दिखता है, मिलते हैं जल्दी। बाय। सो फाइनली जो यहाँ पे पहुँच चुके हैं, यहाँ पे मेरा छोटा भी है एंड ये छोटी पीछे आंटी भी है, छोटू। तो यहाँ का ये काफी ज्यादा क्राउडेड व्यू, एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा लेट हो गई। ये एक मेरी और एक आंटी है ऐसी और ये उनकी लड़की है। ये जो जिसपे दिया रखा हुआ है इसे बोलते हैं बेदी, इससे पूजा होती है। Thank you.
काफी लेट हुई यहाँ पे आने के लिए। तो फिर हम मिलते हैं घर जाने के बाद कि यहाँ पे पूरा किस तरह से जा रहे हैं। इसके बाद मॉर्निंग में मैं आप लोगों को शूट करके दिखाऊंगी कि मॉर्निंग का व्यू कैसा है और उसका पूजा किस तरह से। ये मैं और मेरी प्यारी सी माता श्री पूजा कर रही हूँ। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि मैंने मॉम का मेकअप कैसे किया, किस तरह से मेकअप कैसा रेडी किया। एक्चुअली अभी जाने की तैयारी हो रही है और हम सारा जो सामान हम लेके आए थे वो पैक कर रहे हैं वापस से, ताकि हम वापस से घर ले जाएं। बिकॉज कैसा होता है जब सूरज डूब जाते हैं तो वापस हम चले जाते हैं, एंड मॉर्निंग में सूरज उगने से पहले हम आते हैं। तो मैं होप मैं कल ट्राई करूँगी ताकि मैं कल जल्दी आओ और मैं कल अच्छे से और वीडियो बना पाऊँ कल के दिन। तो अभी मिलते हैं कल। हेलो आप सबको मेरा गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। सो अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं आई थिंक 3:30 एंड हम सब उठ चुके हैं। अभी हम एक एक करके पहले शावर लेंगे एंड उसके बाद रेडी होंगे। रेडी होने के बाद वापस से हम उसी घाट पे जाएंगे जहाँ पे मैंने आपको क्राउडेड वो क्राउड दिखाया था सारा। एंड मेरी आंखें देखिए कितनी सूजी हुई हैं। अभी मॉम शावर ले रहे हैं, फिर मैं लूँगी, देन मेरा भाई छोटा वाला। उसके बाद हम सब लोग रेडी होकर जाएंगे, फिर मैं वापस से आपको दिखाऊंगी हमारा गेटअप एंड वहाँ के वापस से सारे जो पब्लिक आने वाले हैं वो कि मॉर्निंग में क्या होता है। वैसे मॉर्निंग में जैसे ही सूरज जी उगते हैं, सूरज जी के उगने के बाद उनको पानी का जो है अर्घ दिया जाता है। अर्घ देने के बाद वहाँ से सारा चीज़ वापस से लेके हम यहाँ पर आ जाते हैं, सारे सोसाइटी में सबको प्रसाद देते हैं। प्रसाद देने के बाद उसके बाद मॉम जो है अपना फास्ट तोड़ती हैं, मीन्स पानी पीती हैं। सो आगे की वीडियो हम कंटिन्यू करेंगे साथ में, बाय। सो यहाँ आप देख रहे हैं मॉर्निंग के बज रहे हैं, मैं आपको टाइम देख के बताती हूँ, करेक्ट 5 एंड हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। मॉम जो है सारा तैयारी कर रही है पूजा करने के लिए। यहाँ पे जो है हम बैठे हुए हैं, अब आपको लेके जाएंगे हम। मॉम को, मेरे प्यारे मॉम को नींद आ रही है। मॉम को नींद आ रही है, नींद आ रही है आपको? ये देखिए, ये है मेरा छोटा भाई, ये मेरा छोटा भाई है, और एक है मेरे बड़े भाई एंड मेरी बड़ी सिस्टर जो कि दोनों दुबई में हैं।
हे गाइस, तो फाइनली जो है हम घर पे आ चुके हैं पूजा करके, एंड सारी पूजा जो है ख़त्म हो गई। हमने सबको प्रसाद भी दे दिया है वहीं पे जो हमारे साथ पूजा में शामिल हुए थे। सो अभी मॉम जा रहे हैं घर पे हमारे मंदिर का पूजा करने, उसके बाद मॉम फाइनली अपना फास्ट जो है ओपन करेंगे। मैं उनके लिए भी जाऊँगी नाश्ता एंड चाय बनाने सबके लिए। बाकी और क्या है छठ में, अभी हम सबको जो है हमारे जो सोसाइटी मेम्बर हैं बिल्डिंग के, उन्हें हम जो है प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एंड इसके बाद व्हाट एल्स, बस यहाँ पे जो है मुझे लगता है मुझे ब्लॉग जो है मेरा वो एंड करना चाहिए। प्लीज़ मुझे बहुत सारा प्यार दीजिए प्लीज़, एंड मेरे को सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोगों तक पहुँच पाए और मुझे लोग जो है देख पाएँ। एंड जो भी न्यू जो है व्यूअर हैं मेरे चैनल पे, वो भी प्लीज़ सब्सक्राइब करें, सिर्फ वीडियो देख के ना जाए और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा है। सो लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, थैंक यू एंड बाय बाय।